आपको बता रहे हैं, सोनीपत में शराब कारोबारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सोनीपत के खरखोदा में गिराया गया है कारोबारी का अवैध निर्माण। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण चल रहा था, भारी पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर जो है वो चलाया गया है और इसी भवन से करोड़ों की शराब का भी गायब होने का मामला सामने आया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चला है और सोनीपत में शराब कारोबारी के अवैध निर्माण पर इस बार ये जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। लंबे समय से सोनीपत में ये अवैध निर्माण चल रहा था, सोनीपत के खरखोदा में अब कारोबारी का जो अवैध निर्माण है वो गिरा दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण जो है वो गिराया गया है। और आपको बता दें कि जितने भी अपराधी हैं उनके अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं। जो हरियाणा सरकार है अब वो पीला पंजा चला रही है और ये जो पीला बुलडोजर है ये सभी अवैध कारोबारियों के अवैध जो निर्माण है उन पर शिकंजा कस रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, सोनीपत में ये जो अवैध निर्माण है वो किया जा रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लाजपत मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए एक्टिव मोड में है सरकार का ये पीला पंजा, अब ये जो तस्वीरें सामने आई है इस पूरे मामले पर क्या जानकारी है आपके पास? शख्स था जो कि खरखोदा में लॉकडाउन के दौरान जो कि शराब का काफी बड़ा एक घोटाला सामने आया था, जिसमें गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया था और आज एक बड़ी कामयाबी कहेंगे, क्योंकि जैसे यूपी की तरफ पर अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में है, क्योंकि जैसे यूपी में पहले बदमाशों की प्रॉपर्टी पर जो पीला पंजा चलता था, बल्डोजर जिसका नाम रखा गया था, वो बल्डोजर अब यूपी से चलकर अब हरियाणा भी पहुंचा है। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई दिखाई दे रही है, जो सोनीपत में भी शुरुआत हुई है और ये काफी बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जो काफी बड़ा घोटाला था और इसको लेकर जो आज खरखोदा में जो इतना बड़ा एक जो भूपेंद्र नाम का जो शराब माफिया जिसको कहेंगे और वो उनकी प्रॉपर्टी पे आज पीला पंजा चला है। तो बल्डोजर अब लगातार धीरे धीरे कहां तक पहुंचता है, क्योंकि बुलडोजर चलने में धीरे जरूर होता है लेकिन उसकी कार्रवाई जब होती है तो वो सभी जो आगे चीजें अड़ती है सबको तहस नहस कर देता है, वो दिखाई नहीं देता। बदमाश की प्रॉपर्टी हो या किसी की भी प्रॉपर्टी हो, लगातार एक्शन मोड में है अब सरकार। कहीं ना कहीं जो है चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में इसलिए भी नजदीक है कि पंचायती चुनाव है तो जो माहौल बनाना चाहती है, अब आगे भी चुनाव नजदीक है तो सरकार कहीं ना कहीं अब ठोस कदम उठाने पर मजबूर भी है। लाजपत, ये जो शराब कारोबारी है जिसकी आपने पूरी जानकारी दी, जिसके अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चल रहा है, उसके उसके इस कारोबार से जुड़ी और क्या जानकारी मिल पाई है? कब से ये इस तरह का जो अवैध निर्माण है वो करवा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए ये जो इस तरीके के जो मामले हैं ये कानून का एक पेच होता है, उससे आगे जाना हमारी भी मजबूरी होती है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो जारी है, कितना लंबा इसमें समय है और अभी जांच जारी है, क्योंकि अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये पीला पंजा सरकार का दिए थे लेकिन उसके बाद भी जो अवैध जिसने बनाया है उसने हटाया नहीं था, तो आज फिर ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो अवैध रूप से बनाई गई है नगर पालिका क्षेत्र में? भूपेंद्र, ये है 950 गज की जमीन है। अच्छी, उसकी शिकायत आ रही थी काफी दिन से, तो इस पे अवैध निर्माण सर। और अन्य प्रॉपर्टीज पर भी पीला पंजा चलाया जाएगा जी? जो जो चिन्हित टाइम से जो भी पता चलेगा सबके अब पीला पंजा चलेगा। सर आज कितनी जगह कार्रवाई हुई है? आज फिलहाल अभी दो जगह हुई है, एक इस जगह भी होगी और एक इससे पहले हुई है।